वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रीट स्टाइल वेज टोस्ट सैंडविच और जंबो वेज ग्रिल्ड सैंडविच की रेसिपी आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ ही बनाएंगे वो सैंडविच वाली हरी चटनी और लहसुन वाली लाल चटनी, और बनाएंगे वो स्पेशल मसाला जो कि सैंडविच की जान है। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैंडविच का मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए गरम पैन में एक चम्मच जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच सौंफ ले लेंगे, आधा चम्मच लौंग और आधा चम्मच काली मिर्च डाल के धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। मसालों का महक भी आने लगा है तो गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने पर इसे ग्राइंडर में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा सौंठ, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सफेद नमक मिला लेंगे और अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। सो गाइज, यही है अपना स्पेशल सैंडविच का मसाला। आप इसको फ्रिज में 1 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं और जब मन करे यूज कर सकते हैं। और अब चलिए हरी वाली चटनी रेडी कर लेते हैं। उसके लिए धनिया का एक गुच्छा लिया है हमने, थोड़े से इसमें पुदीने के पत्ते ऐड कर रहे हैं। अब इसमें थोड़े से शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे, ये ऑप्शनल है। थोड़े से हरी मिर्च, थोड़े से अदरक, थोड़े से लहसुन, 1 चम्मच भुना हुआ चना, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और लगभग इसमें 30 ml पानी मिलाकर इसे अच्छे से पीस लेंगे। अपनी हरी चटनी भी रेडी है और अब चलिए लहसुन वाली लाल चटनी रेडी कर लेते हैं। इसके लिए 4 से 5 कश्मीरी लाल मिर्च ले लेना है। इसमें जाएगा ढेर सारा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा भुना हुआ चना, स्वाद अनुसार नमक, लास्ट में 30 से 40 ml इसमें पानी डाल लेना है और फिर इसे अच्छे से पीस लेना है। पानी धीरे धीरे ही ऐड करना गाइस, क्योंकि अगर चटनी पतली हो जाएगी तो बाद में अपना सैंडविच भी सॉगी होगा। सो गाइस, अपना सैंडविच मसाला और दोनों चटनी रेडी है। तो चलिए अब अपना सैंडविच असेंबल कर लेते हैं और सबसे पहले टोस्ट सैंडविच कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक ब्रेड स्लाइस ले लेना है, उस पे हम लोग हरी चटनी अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद इस पे हल्का सा बटर अप्लाई कर लेंगे। आप चाहे तो बटर पहले अप्लाई कर सकते हैं, चटनी बाद में अप्लाई कीजिए, आपके ऊपर है। अब इस पे बॉयल पोटैटो के स्लाइसेस ऐड कर लेंगे जो कि मैंने पहले से बॉयल करके रख लिया था। अब इस पे अपना बनाया हुआ सैंडविच का मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। अगर गाइस आप ये मसाला नहीं बनाना चाहते तो सिंपली चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब इस पे टमाटो स्लाइसेस रख लेंगे, फिर ऑनियन स्लाइसेस ऐड कर लेंगे और फिर क्यूक्यूम्बर के स्लाइसेस ऐड करेंगे। उसके बाद इस पे बीट रूट जाएगा जो कि पहले आप बॉयल कर लेना, उसके बाद स्लाइसेस ऐड करना, और लास्ट में थोड़े से चॉप्ड कैप्सिकम जो कि ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। फाइनली टेस्ट के लिए थोड़ा और सैंडविच मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। अब दूसरा ब्रेड स्लाइस लेंगे, उस पे बटर अप्लाई करेंगे और अपनी लाल वाली लहसुन की चटनी अप्लाई कर लेंगे और ये सैंडविच पे टॉप अप करके बंद कर देंगे। आप इसको बिना टोस्ट किए हुए भी खा सकते हैं, जस्ट आपको जो ये साइड्स हैं इसको ट्रिम कर लेना है, थोड़ा सा बटर अप्लाई करना है और फिर इंजॉय कीजिए। तो चलिए अब इसको टोस्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैं ये छोटा सा टोस्टर यूज़ कर रहा हूँ, गैस पे चलने वाला, मार्केट में इजीली मिल जाता है और काफ़ी हैंडी भी रहता है गाइस। और अगर आप चाहें तो इसको पैन पे भी फ्राई कर सकते हैं इजीली। ये देखिए अपना टोस्ट भी ब्राउन एंड क्रिस्प लग रहा है और ये रेडी हो चुका है। फटाफट इसको करते हैं बाहर। अब इस पे हल्का सा बटर अप्लाई करेंगे और दोनों चटनी, फिर इसे कट करके गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए। गाइज, ये था स्ट्रीट स्टाइल वेज टोस्ट सैंडविच। अब बारी है वेज जंबो ग्रिल सैंडविच की, तो चलिए उसको भी असेंबल कर लेते हैं। आपने जंबो ग्रिल्ड सैंडविच खाया होगा, उसमें ये ट्रायंगुलर शेप ब्रेड यूज़ करते हैं, तो मैं भी यही यूज़ कर रहा हूँ। इसके 3 स्लाइसेस यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बटर और ग्रीन चटनी अप्लाई कर लेंगे। अब नेक्स्ट इस पे बॉयल किए हुए आलू के स्लाइसेस रख लेंगे। उसके बाद इस पे जाएगा अपना सैंडविच मसाला। नेक्स्ट है बॉयल्ड बीट रूट और उसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा कटा हुआ शिमला मिर्च। अब इस पे अपने श्रद्धा अनुसार चीज़ ग्रेट कर लेना है। उसके बाद दूसरा ब्रेड स्लाइस लेंगे, उस पे बटर अप्लाई कर लेंगे और फर्स्ट लेयर क्लोज कर देंगे। अब ये जो ऊपर वाला ब्रेड है इस पे हरी चटनी अप्लाई करेंगे। उसके बाद इस पे जाएगा टमाटो, उसके बाद क्यूक्यूम्बर के स्लाइसेस, फिर ऑनियंस, अगेन टेस्ट एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा सैंडविच मसाला और फिर इस पे चीज स्लाइसेस रख लेंगे। और अब अपने फाइनल ब्रेड पे बटर और लाल वाली चटनी अप्लाई करके
सैंडविच को क्लोज कर देंगे। सिमिलरली इसको भी ग्रिल करने से पहले दोनों साइड बटर अप्लाई कर लेंगे। ये था स्ट्रीट स्टाइल जंबो ग्रिल सैंडविच। गाइस रेसिपी जरूर ट्राई करना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।